सेलर्स, कैसे हो आप लोग? आज एक काम का वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए, और सामान भी काम का है, लेकिन एक नहीं है, हाँ दो दो है एग्जैक्टली. ये है, सभी को ये पहचान में आ रहा होगा क्या चीज़ है. ये HG का एक मॉडल है, इसको मर्सिडीज लेंस भी बोला जाता है या फिर वाई लेंस भी बोला जाता है. ठीक है, दैट्स द प्रोडक्ट, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है. वीडियो को मैं लेंदी नहीं करूँगा, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है. पैकेज तो है, लेकिन पैकेज के अंदर सामान नहीं है. यस, दैट्स द ट्विस्ट. सामान नहीं है, सामान कहाँ है? मैंने सामान लगा चुका हूँ मैं गाड़ी में, और लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा. इरा इसका प्रोडक्ट का वायरिंग हार्नेस, ये कॉम्बो प्रोडक्ट है. इन्फॉर्मेशन क्या है वही मैं आप लोगों को देने के लिए आ रहा हूँ. वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, काम का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. और ये लाइट क्यों इस समय मैं इसको वीडियो में पब्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या टाइम चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, फॉग का मौसम चल रहा है. तो फॉग में योलो लाइट इज मस्ट, मतलब एक मैंडेटरी एक्सरसाइज है बाइक के लिए, स्कूटी के लिए. जो हम लोगों का राइडर, हम लोगों को मालूम है कि फॉग में कितना प्रॉब्लम होता है व्हाइट लाइट पे. तो आजकल ज़्यादातर तो व्हाइट LED यूज हो रहा है हर गाड़ी में. क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट दिखा सकूँ कि आप लोगों को व्हाइट का भी काम आ जाए और येलो का भी काम आ जाए, उसके साथ ब्लिंकर भी. और कैसे काम करेगा इसका भी मैं दिखाऊंगा. ये दो प्रोडक्ट मैंने, दो मेरे जो मेरे बाइक है, हाँ मैंने डोमिनर में ऑलरेडी HD का लाइट में लगा के रखा हुआ है. आप लोगों ने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में वीडियो में देखा देखे होंगे कि उसमें लगा के रखा हुआ है. 60 वाट का मैं वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉग लाइट. तो फिर ये क्यों, ये मेरा दूसरा जो और दो मेरे स्कूटी और बाइक है उसके लिए मैंने लगाया, लेकिन ये एक अलग सा वर्षन है HD का. जो डोमिनर में मैंने इस्तेमाल किया हुआ है वो वाला नहीं है, ये मर्सिडीज लेंस है जिसको वाई लेंस भी बोला जाता है. और ये कॉम्बो पैक है. यस दैट्स इट, ये कॉम्बो आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर हार्नेस के साथ. इन्फॉर्मेशन जो मैं देने वाला हूँ इस ब्लॉग में वो काफ़ी काम का इन्फॉर्मेशन होगा. ये देखिए हार्नेस यहाँ पर है, क्योंकि अगर मैं इसको अलग से खरीदता हूँ विदाउट हार्नेस तो आपको एक कॉम्पो पैक नहीं मिलेगा. और हार्नेस के साथ कॉम्पो पैक लेने का फायदा है कि जस्ट प्लग एंड प्ले सिचुएशन हो जाएगा आपके बाइक के साथ. किसी भी वायर कट का कोई भी चांसेस नहीं, बिना झिझक के आप प्लग एंड प्ले कर सकते हो. और एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है. 3 कनेक्शन पॉइंट दिया हुआ है, अच्छा सभी के सभी सब प्लग इन पे. 2 बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में जाके प्लग कनेक्शन हो जाएगा. स्क्रू ड्राइवर सबको टाइप कर सकते हो. उसके बाद एक पॉइंट दिया जाता है इग्निशन, जो कपलर है आप लोग बाइक में जो वाइजर के नीचे रहता है, या फिर आप लोग पीछे बैक सीट के नीचे देखेंगे बैक लाइट कनेक्शन पॉइंट जहाँ पर दिया जाता है कपलर, वहाँ पर इग्निशन पॉइंट का एक तार वहाँ पर जस्ट लग जाएगा. कपलर को खोलिए, तार को इंसर्ट कर दीजिए, कपलर को फिर से बंद कर दीजिए. और लाइट के लिए 2 प्लग दिया जाएगा जो आपके उस रिले जो है उसके साथ अटैच होगा. तो दैट्स इट, और कुछ नहीं. और लाइट को जस्ट अपने एज पर आप जहाँ पर इसको प्लेस करना चाहते हो, उस तरह फॉग लाइट माउंट के साथ लेग गार्ड में हो गया, सस्पेंशन में हो गया, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो. मैंने कहाँ लगाया मैं आपको दिखाऊंगा नीचे जाके, बाइक्स पे कहाँ लगाया और स्कूटी में मैंने कहाँ लगाया. स्कूटी में तो लेग गार्ड होता नहीं है, तो उसके लिए मैं कुछ अलग से वहाँ पर जुगाड़ किया हुआ है, जुगाड़ नहीं इंतजाम किया हुआ है. उसका भी प्रोडक्ट मैं लिंक में दे दूंगा. और ये मैंने लिया है शॉर्टकट बोल के जो वेबसाइट उनसे लिया, उसका भी प्रोडक्ट का लिंक मैं दे दूंगा, शेयर कर दूंगा. ये मुझे कॉस्ट पड़ा है, लाइट का कॉस्ट पड़ा है 2000 और वायरिंग हार्नेस का 2000, तो कॉम्बो में ये 4000 मिला है. हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सोचते हो कि लाइट में अलग से लूँगा और यूनिवर्सल हार्नेस मिलता है किसी किसी वेबसाइट पे, तो यूनिवर्सल हार्नेस आप इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन इसके साथ वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो फिटिंग्स है कपलर फिटिंग्स, ओनली HD का ही हार्नेस यूज़ करना पड़ेगा, वो भी कॉम्बो पैक की आपको लेना पड़ेगा. अलग से अगर आप सिर्फ लाइट खरीदते हो और उसी वेबसाइट से अलग से आप अगर कार्ट पे हार्नेस ऑर्डर करते हो अलग अलग प्रोडक्ट, फिर भी नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप तो HD का ही ऑर्डर कर रहे हो, लाइट भी HD का हो गया, हार्नेस भी HD का हो गया, तो क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब आप इंडिविजुअल लाइट को ऑर्डर करोगे तो उस लाइट में कपलर फिटिंग्स नहीं आएगा, वायरिंग कार्ट वाला आएगा. आपको मैं कैसे दिखाऊं, आप जब वेबसाइट में सर्च करोगे गूगल में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर कपलर नहीं मिलेगा. ओनली ये जो कॉम्बो पैक आता है थोड़ा बड़ा पैक आता है, और मैंने अंदर भी आपको दिखा दिया किस तरीके का ये आता है. ये रहा, यहाँ पर 2 लाइट आएगा और ये रहा वायरिंग हार्नेस इसके साथ एकदम कॉम्बो में. तो जब आप कॉम्बो पैक लेंगे तभी आपको वो कपलर फिटिंग वाला मतलब सिस्टम से साथ आपको मिलेगा. अलग से लोगे तो वो वायरिंग कार्ड वाला मिलेगा आपको, तो आपका वो बात नहीं बन पाएगा फिर से, तो बात वही हो गया अगर आप वायर कार्ड ही कर देते हो. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने HD का लाइट पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, मैं डोमिनर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो 60 वाट वाला, और ये है 40 40 80 वाट्स, मतलब वो 60 60 120 वाट्स और ये 40 40 80 वाट्स. ठीक है, टोटल कॉम्बो में ईच 40 वाट्स करके. तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों का फर्क आप मेरा HD का 60 वाट वाला जो मैं डोमिनर इस्तेमाल कर रहा हूँ आप उसका आउटपुट आप देख चुके होंगे मेरे प्रीवियस किसी ना किसी ब्लॉग में आपने देखे होंगे. उसका थ्रो जो है थोड़ा फैलता है, वाइड में जाता है. तो मैंने तो फिर वो अगर अच्छा है तो मैंने इसको क्यों लिया, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है. क्योंकि इसका जो है ये प्रोजेक्टर टाइप का लाइट है, मुझे थोड़ा सा प्रोजेक्शन चाहिए था, स्लो नैरो एरिया में स्पॉट में चाहिए था. स्पॉट भी आप बोल सकते हो, प्रोजेक्टर स्पॉट में ये लाइट आउटपुट निकलता है. तो और जो जिस गाड़ी में मैं लगाने वाला हूँ उस गाड़ी में मैं प्रोजेक्टर टाइप स्पॉट में मुझे लाइट चाहिए था, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया. क्योंकि ये उस लाइट के बाद अगर HD का कुछ पॉपुलर लाइट है जिसका बहुत सारा नाम है तो ये वाई लेंस.
और इसके नीचे थोड़ा और एक लाइट आपको मिलता है, वो है मिनी राइट बोला जाता है उसको, तो थोड़ा सा पावर कम है उसका। जो सिटी राइट में सिटी टू सिटी मतलब मान के चलिए कि 60-70% सिटी राइट करते हैं और 30-25-30% हाईवे पे मतलब ऑकेशन निकलता है, तो उन लोगों के लिए मिनी राइट अच्छा रहेगा, उनको प्राइस भी कम होता है, आपको कम प्राइस मिलता है। उसके लिए आपको हार्नेस खरीदना नहीं पड़ता, उसमें अडाप्टर होता है, डायरेक्टली प्लग इन पे आप कर सकते हो वायर के द्वारा, तो उसमें खर्चा थोड़ा कम पड़ता है, शायद 1200-1300-1500 रुपये में आपका हो जाएगा। इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है मुझे क्योंकि मैं राइड करता हूँ ऑलमोस्ट 70-75% मेरा हाईवे पे राइड होता है, मेरा ऑफिस रेगुलर जाना जाना 75% हाईवे, तो मुझे थोड़ा पावरफुल लाइट चाहिए था, तो इसको मेगा ड्राइव भी कोई कोई बोलता है, उसको मिनी ड्राइव, इसको मेगा ड्राइव बोलता है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर है मर्सिडीज वायलेंस बोल के HD का। तो इसलिए मैंने डोमिनार में वो 60 वाट वाला लगाया था, क्योंकि मैं डोमिनार लेके नॉर्मली ऑफ रोड या फिर किसी हिल एरिया में किसी ऑफ द डिस्टेंस में ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, ज़्यादा देर मैं हाईवे पे तो ऑब्वियसली करता हूँ, हाईवे के लिए तो ठीक ही है, लेकिन उस सिनेरियो में जहाँ पर ऑफ द डिस्टेंस हो गया, ऑफ रोड हो गया, या फिर पूरा एकदम खाली सा जगह पहाड़ हिल में, वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही होता है, तो फॉग लाइट का जो अगर स्प्रेड अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा, मतलब वाइड में ज़्यादा कवर कर लेगा, तो मेरे लिए वो जगह अंधेरा कम रहता है, उजाला ही बढ़ जाता है। और स्पॉट क्या होता है, स्पॉट एक पर्टिकुलरली एक दो पॉइंट पर गिरता है, तो थोड़ा आसपास का एरिया जो है वो अंधेरा सा रहता है, इसलिए मैंने रेगुलर ऑफिस जाने के लिए ये वाला चूज़ किया है। और प्रीवियसली मैंने 60-60-120 वाट्स का जो HD का 4 लेंस वाला लाइट है उसको मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। चलिए यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, नीचे चलते हैं, वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है और कहाँ कहाँ इसका ये थ्रो कैसा होता है, उसको भी मैं दिखाता हूँ। चलिए सो यार मैं आ चुका हूँ नीचे गाड़ी के सामने, ये रहा मेरा 3 बीस्ट, उसका छोटा भाई और ब्लैक ब्यूटी बगीदा, माय स्कूटी एंड सिम्बा दोनों, और ये रहा लाइट जो स्कूटी के ऊपर मैंने लगा कर रखा हुआ है। इसका इंस्टॉलेशन नोटिस कीजिए, ये जो क्लैंप है ये एक्चुअली मिरर माउंट के ऊपर मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, मोबाइल होल्डर जिसमें लगाता है, और ये वाला मैंने लगाया हुआ है लेग गार्ड के ऊपर, लेकिन मैंने इसका हाइट थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए एक क्लैंप मैंने एक्स्ट्रा वेल्डिंग करवाया है उसके ऊपर इसको इंस्टॉल करवाया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाइट चाहिए था। नॉर्मली जो लेग गार्ड में फॉग लैम्प का जो माउंट होता है वो भी मेरे पास है, लेकिन मैंने उस पर नहीं लगाया। और ये रहा मेरा पुराना 60 वाट वाला HJG, ईच 60 वाट कॉम्बाइन में 120 वाट, ये मेरा पुराना, इसका आउटपुट आप देख चुके हो। इस वीडियो में इसका आउटपुट मैं नहीं दिखाऊंगा थ्रो, क्योंकि मेरे प्रीवियस किसी न किसी ब्लॉग में आपने इसका आउटपुट एक्चुअल रिजल्ट देखा हुआ है। और ये मेरा 3 दिलों की धड़कन, दैट्स माय सिम्बा, बीच में मेरा स्कूटी, और इसका पूरा जो मॉडिफिकेशन वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसमें जितना भी काम हुआ है एक साथ में मैंने किया है, अलग अलग नहीं करके हुए। और ये मेरा पीछे से इसका देखिएगा, और ये स्विच जो कि इसके साथ ही मिलता है वायरिंग हार्नेस के साथ ही, और इसके जो क्लैम्प जो एल शेप में आप देख रहे हो क्लैम्प भी इसके साथ ही मिलता है, और ये मोबाइल माउंटिंग क्लैम्प के ऊपर मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, जिसका लिंक मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, सभी चीज़ का लिंक मैं दे दूंगा, और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या चीज़ आपको जानना है ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ। और ये रहा मेरा लेग गार्ड के ऊपर लगाया हुआ है, थोड़ा सा मैंने इसका वेल्डिंग करके इसका हाइट इंक्रीज किया हुआ है, अगर वो क्लैम्प में वेल्डिंग नहीं करा था तो लाइट थोड़ा सा नीचे बैठता और थोड़ा सा हाइट उसका डिक्रीज हो जाता, क्योंकि थोड़ा सा हाइट देने से क्या हुआ लाइट का थ्रो ज़्यादा दूर तक जाता है। हाँ, वो भी ध्यान रखना पड़ता है हेडलाइट के ऊपर ना जाए, जैसे स्कूटी में मैंने इसके ऊपर लगा दिया है क्योंकि स्कूटी में मेरा कोई ऑप्शंस नहीं था, इसलिए मुझे मतलब विदाउट किसी ऑप्शंस के मुझे ऊपर ही लगाना पड़ा, लेकिन नॉर्मली फॉग लाइट का रूल्स है कि आपका फॉग लाइट हेडलाइट से थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए, बट मैंने थोड़ा सा उसको भी रूल्स फॉलो किया और नीचे भी थोड़ा हाइट इंक्रीज किया। और मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, सिंपल जस्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल रेड जो वायर आप देख पा रहे हो ये वाला, हाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में मैंने इसको जस्ट स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करके लगा दिया उसको, और इस टर्मिनल में हमेशा ग्रीजिंग या फिर वेज़लिन लगा के रखे ताकि कार्बन ना डिपॉजिट हो। और आप सीट खोल के आपको दिखा देता हूँ, सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है, जस्ट देखते जाइए। सो ये रहा रिले ब्लू कलर में, ये मेन रिले है जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल डिपेंड करता है, और ये जो रेड वायर आप देख रहे हो एक तो बैटरी के साथ होगा, ये रहा उसका फ्यूज़ है ना, बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा फ्यूज़ आपको मिलेगा एज ए एक्स्ट्रा, ये तो लगा हुआ है एक अंदर, और एक्स्ट्रा आपको एक फ्यूज़ मिल जाएगा, सारा बोल्ट सारा एलिंग की भी आपको मिल जाएगा फिट एंड फिनिश के लिए,
और ये वायर रेड वायर जो मैंने एक्स्ट्रा बोला था सीधा जाएगा इग्निशन कपलर की तरफ। आप इसको यहाँ पर भी लगा सकते हो या फिर पीछे सीट के नीचे जो एक जगह है जहाँ पर बैकलाइट का कपलिंग दिया हुआ है वो देख वो वहाँ पर भी आप लगा सकते हो। और सेम ये ऐसा वायरिंग सिस्टम तीनों गाड़ी में अप्लाई हुआ है। हाँ सिर्फ वायरिंग हार्नेस का ये जो सिस्टम है सिस्टम सेम रहेगा। ये रहा दोनों लाइट का कपलर, ये एक है लेफ्ट साइड वाला जो फिट हो जाता है और राइट साइड वाला ये वाला एक है। जस्ट लाइट को पोजीशन में मतलब लेग गार्ड के जिस पोजीशन में आप लगाना चाहते हो उस वहाँ पर लगा दीजिए और ये दो कपलर जस्ट प्लग एंड प्ले कर दीजिए। सिंपल है, कोई झंझट नहीं है, एकदम सिंपल। और रेड वायर जाएगा वायरिंग हार्नेस के जो रेड वायर है। और यह बार देखिएगा जहाँ यहाँ पर मैंने वायरिंग हार्नेस जो है यूनिवर्सल इस्तेमाल किया था इसलिए यहाँ पर कपलिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग है, वो गोल था और ये अलग थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि मैंने AGG का नहीं यूनिवर्सल वायरिंग हार्नेस इस्तेमाल किया था। लेकिन सिस्टम सभी में सेम ही है, एकदम फंक्शन जो है सिस्टम एकदम सेम है। और ये फॉग लैम्प का लेंस जो येलो कवर है अटैचेबल है डिटैचेबल है। और वाई लेंस में आपको इनविल येलो एंड वाइट और ब्लिंकर तीनों मिल जाएगा। ब्लिंकर तो डिपेंड करता है रिले के ऊपर और फ्यूज़ डिपेंड करता है कि अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो गाड़ी का जो वायरिंग आने उसमें कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये रहा स्विच, इसको मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि डिटेल दिखा देता हूँ। सामने का जो ब्लू कलर ये ब्लिंकर के लिए और ये सामने रेड वाला जो है ये ऊपर का ब्लिंकर ब्लू वाला रेड इसका पोजीशन मैंने अप्स एंड डाउन करके रखा हुआ है क्योंकि उसका एल क्लैंप उसी जैसे अटैचमेंट हो रहा था। लेकिन ये वाला स्विच जो है ये वायरिंग हार्नेस जो था यूनिवर्सल वायरिंग हार्नेस था। इसका वीडियो अगर आपको चाहिए अलग से तो मैं अलग से इसका ब्लॉग बनाऊंगा, इसमें मैं नहीं दे रहा हूँ, इसको साइड में रखता हूँ। लेकिन ये इस गाड़ी में मैंने यूनिवर्सल वायरिंग हार्नेस इस्तेमाल किया हुआ है। Later that same evening. सो एज यू कैन सी ये रहा लाइट का थ्रो, ये है डीपर में येल्लो, ये अपर का वाइट और ये बीच में ये हमारा स्टॉक हेडलाइट नाइट आई अपर डीपर। ये भी काफ़ी अच्छा है लेकिन फॉग के लिए ये वाला येल्लो बेस्ट रहेगा। इसका थ्रो भी इन स्पॉट में पड़ता है अपर में वाइट देन डीपर में और ये दोनों को बीच में होता है वाइट अपर लोअर में। मतलब ये थर्ड तीन सेटअप में इसका आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा अपर डीपर या फिर आप दोनों अगर चाहते हो अपर डीपर मतलब अपर में आपको वाइट और नीचे आपका येलो दोनों। ये रहा ब्लिंकर, ब्लिंकर भी काफ़ी अच्छा लेकिन ये इनके साथ जरूरत पड़े तो भी ब्लिंकर का सेटअप चल। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, देखिए मैंने आप लोगों को बाइक एंड स्कूटी दोनों में इसका फॉर्मेट दिखा दिया है कि दोनों में कैसा लगता है और दोनों का थ्रो। ये मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सामने अंदर आया लगभग 100 मीटर तक गैप मतलब एक डिस्टेंस है सामने जो अंदर आया। ये देखा मैंने इसको डाउन में रखा हुआ है डीपर में येल्लो अपर में वाइट ठीक है जैसे बाइक में था। और आप दोनों को एज ए सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं अपर डीपर में दोनों एक साथ में चल सकता है। ऐसा नहीं किसी अपर में वाइट या फिर डीपर में येल्लो ये दोनों ही अलग अलग इंडिविजुअल अभी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं आप तीनों को एक दोनों को एक साथ में इस्तेमाल कर सकते हो साइमल्टेनियसली। जो कि ये रहा पूरा डीपर जो मेन चीज़ है इसका मैंने विंटर सीजन के लिए क्योंकि इसको स्पेशल कहा हुआ था। तो ये रहा येल्लो तो आप इससे शायद जज कर पाओ। ये ब्लिंकर काफ़ी अच्छा थ्रो है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये ब्लिंकर। ब्लिंकर आप अगर इनके सबको ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कीजिए नहीं तो मत कीजिए, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, रिकमेंडेड नहीं होगा। ये मेरा नाइट आई का है हेडलाइट स्टॉक हेडलाइट का पावर, ये भी काफ़ी अच्छा है लेकिन फॉग के लिए और बारिश के सीजन के लिए एकदम ठीक नहीं है तो इसलिए मैंने फॉग लाइट इस्तेमाल किया हुआ है। बारिश के मौसम में भी हेल्प हो जाएगा और फॉग में तो आराम से हेल्प हो जाएगा। तो ये रहा मेरा आउटपुट लाइट का, कैसा लगा आप लोगों को? कोई भी कमेंट्स अगर होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
ताकि मैं उस आपका कोई भी क्वारी में उसमें आंसर दे दूंगा कि आपका क्या है कुछ भी। मैंने वीडियो को रॉ रखा हुआ है एकदम, इसमें कोई कलर कम ग्रेडिंग कुछ भी किया नहीं हुआ है। तो जो भी है, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता थोड़ा अंधेरा सा है, इसलिए आउटपुट बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप ऑन रोड हाई रोड पर चलाओगे तो थोड़ा सा लाइट कम लगेगा आपको, लेकिन लाइट एकदम ठीक है, काम का हो आपका लाइट होगा एकदम, क्योंकि मैं खुद दोनों वर्जन को इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो मैं इसको बिग थम्स अप देता हूँ।